पूरे देश में संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज मुंबई से सटे थाने के इंदिरा नगर में संशोधन बिल के समर्थन में रैली निकाली गई। इस रैली में शांतिपूर्व तरीके से प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यह रैली संतोष यादव, अमित मिश्रा, विपिन पांडे, विक्रम सिंह, विशाल सिंह के मार्गदर्शन में निकाली गई थी। हम समर्थन करेंगे पूरे भारत की, भारत में जितने नागरिक है सब समर्थन कर रहे हैं। कुछ देशद्रोही है जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो ही उस इनका विरोध कर रही है। और यहाँ के मुसलमानों को उसे कोई तकलीफ नहीं है, जो यहाँ से बरसों से रह रहे हैं, ये इनको सिर्फ भड़काया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकने के लिए इनको सिर्फ आगे करके मोहरा बना रही है। देखा जाए तो संशोधन बिल में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसपे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उसको क्या कहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? ये जो संशोधन बिल बना है, ये किसी जाति और धर्म के लिए बना नहीं गया है। जो इसके अंदर आएंगे उन सबका सम्मान करेंगे, और जो नहीं है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये उनके ही खिलाफ होगा। बाकी जो यहाँ से जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगा उस बिल से। रैली के लिए श्रीनगर पुलिस स्टेशन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया था, जिसमें श्रीनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सिंधे की अहम भूमिका रही। ये सिर्फ हिंदुओं को लेकर निकाला गया मोर्चा नहीं है, ये हमारे भारत देश की जो हिंदुस्तानियों की रैली है, जो हिंदुस्तानियों के दिल में देश के प्रति प्यार है। आज अगर देखा जाए तो लोकसभा जो है हमारे देश का एक मंदिर कहा जाता है, जिस मंदिर में पास हुए बिल को लेके आज कुछ देश के गद्दार रोड पे उतर के हमारी ही बनाई हुई संपत्ति को, जो कि हमारे और आपके टैक्स से जमा की गई पैसों से हमारी बनाई हुई संपत्ति को वो बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें एक जोरदार और करारा जवाब देने के लिए हम आज सड़कों पे उतरे हैं। और हमारा संदेश यही है सभी भारतीयों से कि अगर वो उतर सकते हैं, चार गद्दार अगर उतर सकते हैं, तो हम 100 करोड़ 125 करोड़ हिंदुस्तानी हम क्यों नहीं उतर सकते? देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बिल को लेके पूरे दुनिया में, पूरे देश में आज बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भारतीयों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि भाई कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए हमारे आपस में, हमारे भाईचारे में फूट डालने की कोशिश कर रही है। और मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे भड़कावे में मत जाए, उसमें नुकसान किसी और का नहीं, हमारा और आपका होगा। आप जेजेबी न्यूज की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।